जय हिंद दोस्तों, वैकेंसी विश्याम में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं NTA EPFO स्टोनोग्राफर NSSA रिक्वायरमेंट 2023 कर्मचारी भविष्य निधि वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम इस वीडियो में बात करेंगे टोटल पोस्ट अप्लाई डेट, फीस, करेक्शन डेट, सिलेक्शन प्रोसेस, राइटन सिलेबस इत्यादि के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम इसमें बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट। 2,859 सीट हैं। अप्लाई डेट 27 मार्च से 26 अप्रैल तक होगा। वहीं फीस की हम बात कर लें तो जनरल OBC WS के लिए 700 रुपये है, और करेक्शन डेट की बात कर लें तो 27-28 अप्रैल होगी। हम एज की बात कर लें दोस्तों, तो एज लिमिट 26 अप्रैल 2023 तक। वहीं एज की बात करें 18-27 वर्ष होनी चाहिए। छूट की हम बात करें तो OBC के लिए 3 वर्ष और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट होती है। वहीं हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन पेज 1 में और स्किल टेस्ट पेज 2 होगा। वहीं पेज 2 क्वालिफाई नेचर और रिटन सिलेबस की हम बात करें तो स्टोनोग्राफर की पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें स्टोनोग्राफर में 200 क्वेश्चन 800 नंबर के रहेंगे। 2 घंटे 10 मिनट टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। वहीं पर हम रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GK GS और कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर इंग्लिश की बात करें तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पे SSA की बात कर ले तो सिलेबस के इसमें भी 150 क्वेश्चन और 600 नंबर के पूछे जाते हैं। सॉरी, यहाँ 600 है, 600 नंबर के पूछे जाते हैं। वहीं पर टाइम 2 घंटे 30 मिनट दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/4 रहती है। इसमें मैथ में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, GK और GA में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर की हम बात कर ले तो कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वहीं पोस्ट नेम, पोस्ट और एलिजिबिलिटी की बात करें। स्टोनोग्राफर ग्रुप सी पोस्ट जो 185 सीट है। वहीं पर इसका हम एलिजिबिलिटी बात करें तो डिक्टेशन मतलब 10+2 होना चाहिए। डिक्टेशन में 10 मिनट और 80 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग होगी। वहीं ट्रांसक्रिप्शन में इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट 50 मिनट में करना होता है। वहीं पर हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट 65 मिनट तक किया जाता है। अब हम बात कर लें तो सेकेंड नंबर पर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट अर्थात SSA। इसमें सीट की बात करें 2674 सीटें हैं। इसमें ग्रेजुएशन और वहां पर इंग्लिश टाइपिंग में बात कर लें तो टाइपिंग में इंग्लिश रहेगी जो 35 वर्ड प्रति मिनट रहेगा, और वहीं पर दूसर का हिंदी में टाइपिंग रहेगी तो 30 वर्ड प्रति मिनट रहेगा। दोस्तों, हम सैलरी की इसमें बात कर लें तो सैलरी रहेगी इसमें स्टोनोग्राफर में 25,500 रुपये से लेकर 21,100 रुपये तक होती है। वहीं पर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की सैलरी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें भी 29,200 है से चालू ही है और जाकर 93,300 तक पहुंच जाती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों तक हमारी यह